සුබදාසක් හැමෝටම ඔගොල මේ එකගලා ඉන්නේ database management system video series එකේ 33 වෙනි වීඩියෝත් එක්ක මේකදී මම කතා කරන්නේ අපි කලින් වීඩියෝස් දෙකේදී හදාගත්ත ER diagram එකේ tables අතර relationship හදාගන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන මේක තමයි අපේ main question එක වෙන්නේ අපි දැන් බලමු අද question එකේ පළවෙනි part එක මුලින්ම අපිට කියලා තියෙන්නේ user කියන table එකයි यूसर टाइप के ना टेबल ले आते हैं रिलेशनशिप पे का हद आगे नहीं किया ला मूली मोम मेटी का पहले लो व्यू कर गान डा पीटा लेयर्स टिया कैट कर गान ना मितना को डे मैं आइकन ने क्लिक कर ला लेयर्स सेट कर गान डा बुलवा मैं भी दिया डे इन आटा मैं लेयर को डबल क्लिक कर ला ඔවලොන්ට මෙතනින් කලර් එකක් දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ප්ලේ එකට නේම් එකක් දෙන්නත් පුළුවන්. මේ විදිහට මම ඉතුරුටියත් හදා ගන්නවා. මම දැන් ඔක්කොම ටික හදාගත්ත ඒ විදිහට अभी तो बल यूस के टेबल यूस टाइप के टेबल रिलेशनशिप मुकद मिता यूस यूस टाइप एक्काई गेम एक् यूस टाइप यूसर्स गुड़ा बुड़वा यूस यागे यूस टाइप विना एक टेबल टाइटे अलगो थे यूस टाइप के यूस बयाने से එම නැත්තම් shop එකේ ඉන්න employee කෙනෙක්ද කියන එක ගැන අපි දැන් relationship එක හදාගමු මෙතෙන්ද අපිට ඕන වෙන්නේ 1 to 1 relationship එක මම මේ විදියට relationship එක හදා ගන්නවා ඊළඟට අපිට කියලා තියෙන්නේ user කියන table එකයි जेंड के टेबल रिलेशनशिप हदागा मिथन दी एक यूस जेंड एक्काई गेम एक जेंड एक्ट यूसर्स कि मिथन तपिट ओण कर वन टू मेन रिलेशनशिप मैं रिलेशनशिप हदागा अब इला यूस टेबल सिस्टम लॉगिंग टेबल रिलेशनशिप हदागा मिथन सिस्टम लॉगिंग टेबल स्टोकर यूस लॉगिंग डीटेल इतकोट इक यूस पुलवा लॉगिंग डीटेल एक्म इक लॉगिंग डीटेल इंडपुला यूसर्स एक्कीना इतना आप ओण कर वन टू वन रिलेशनशिप मेतन आप यूस की ईडिया तो मे सिस्टम लॉगिंग टेबल फॉर इंकी वेडोनी मैं सिस्टम लॉगिंग टेबल मुड़े सिलेक्ट कर ला इलाट यूस टेबल सिलेक्ट करना इलाटे यूस टेबल एड्रेस टेबल रिलेशनशिप मिथन इक यूस अड्रस पुलवा इलाट इक अड्रस इंडपुलवा यूसर्स एक्कीना सर मिथन अभी ओण कर वन टू मेन रिलेशनशिप मैं मेरी रिलेशनशिप हदागा इलाटे क्या प्रोडक्ट की टेबल ब्रांड की टेबल रिलेशनशिप हदागा मिथन एक् प्रोडक्ट एक्टा एक् ब्रांड इलाटे एक् ब्रांड प्रोडक्ट पुलवा इस मिथन दबी ओण करें वन टू मेन रिलेशनशिप
මේ විදිහම මේ රිලේෂන්ෂිප් එක හදා ගන්නවා. ඊළඟට අපිට කියලා තියෙන්නේ user කියන ටේබල් එකයි GRN කියන ටේබල් එක අතර රිලේෂන්ෂිප් එක හදා ගන්න කියලා. මෙතනදී මේ රිලේෂන්ෂිප් එක හදනකොට අපි ගන්නේ user කියන ටේබල් එකේ ඉන්න user type එක සෙලර් වෙන කට්ටිය විතරයි. එතනදී එක සෙලර් කෙනෙකුට GRN ගොඩක් තියෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම එක GRN එකකට තියෙන්න ඉන්න පුළුවන් එක සෙලර් කෙනයි. ඒ නිසා මෙතෙන්දී ඕන කරන්නේ 1 to many relationship එක. මේ විදිහට මේ relationship එක හදා ගන්නවා. ඊළඟ අපේ කියල් තියෙන්නේ GRN කියන ටේබල් එකයි GRN item කියන ටේබල් එක අතර relationship එක හදාගන්න. මෙතනදී එක GRN එකක items ගොඩක් තියෙන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට එක item එකක් තියෙන්න පුළුවන් එක GRN එක විතරයි. ඒ නිසා මෙතේත් අපිට ඕන කරන්නේ 1 to many relationship එකක්. मेजर मे रिलेशनशिप हदा गण इलांट अभी तीन जी आर एन ईटम की टेबल प्रोडक्ट की टेबल रिलेशनशिप हदा गण मिथन एक प्रोडक्ट जी आर एन ईटम गुड़क तीन पुलवा योगेम एक जी आर एन ईटम तीन पुलवा एक प्रोडक्ट आकरा मैंने तभी वन टू मेन रिलेशनशिप को रही इनकी जी आर एन ईटम की टेबल स्टॉक की टेबल रिलेशनशिप हदा गया मिथन एक स्टॉक एक जी आर एन ईटम गुड़ती बोलवा एक जी आर एन ईटम कहती एक स्टॉक एक्तर एक मुखर प्रोडक्ट अभी ऐड करना एक ऐड करें स्टॉक एक इलाकटे ये प्रोडक्ट तव दस ऐड करना यह प्रोडक्ट प्राइस नस्ती बोलवा ऐसा एक ऐड करें अभी तव स्टॉक हेट ऐसा तब मेत एक जी आर एन ईटम एक स्टॉक एक हेटा एक स्टॉक का जी आर एन ईटम गुड़क अभी हदा गए मत वन टू मेन रिलेशनशिप हदा गण मे विधि इना प्रती यूस टेबल इनवॉइस के टेबल रिलेशनशिप हदा गए मिथने एक यूस कुट इनवॉइस कुड़ाती इंड पुलवा एवनाट एक इनवॉइस एक्ट इंड पुलवा एक यूस के ना एक अन्नी कस्टमर कविल्ला प्रोडक्ट गे एट बिल इश्यू करना ए बिल कहती ए यूस विचराय हे भाई ए कस्टमर में तव दस एट तव बिल इश्यू करना इतोटे कस्टमर बिल्स कुड़ाती इंड पुलवा एन साता मेतन एक यूस के कुट इनवॉइस कुड़ाती हेटा एक इनवॉइस एक यूस भी हदा गए मैं ये रिलेशनशिप मेरे दिल हदा गना इलाटे इनवॉइस की टेबल इनवॉइस ईटम की टेबल रिलेशनशिप हदा गए मेतने एक इनवॉइस इनवॉइस आइटम्स गुड़ाती है ना पुलवा इनवॉइस आइटम में आती है ना पुलवा एक इनवॉइस एक का वितराई एक या अन्य वहाँ का बिल ला किशो करने वाले ये बिल लेके प्रोडक्ट गुड़ाती है ना यहाँ टे प्रोडक्ट का आई थी अन्य मैं इनवॉइस से के थी ना एक का टे वितराई एक वे ने एक का दान होना एक ताव इनवॉइस से कुछ ऐसा भी अटक रहा अन्य ऐसा तो यहाँ पे एक इनवॉइस एक्ट इनवॉइस आइटम्स गुड़ाक विधि
ඉන්වොයිස් අයිටම් එකට එක ඉන්වොයිස් එකක් විදිහට තියෙන්නේ. අන්තිමේට අපිට තියෙන්නේ ඉන්වොයිස් අයිටම් කියන ටේබල් එකයි ස්ටොක් කියන ටේබල් එක අතර රිලේෂන්ෂිප් එක හදාගන්න. මෙතනදී එක ස්ටොක් එකකට ඉන්වොයිස් අයිටම්ස් ගොඩක් තියෙන්න පුළුවන්. එක ඉන්වොයිස් අයිටම් එකක් එක ස්ටොක් එකක විතරයි තියෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මෙතනත් අපිට ඕන කරන්නේ වන් ටු මෙනි රිලේෂන්ෂිප් එක. මේ විදිහට මම මේ රිලේෂන්ෂිප් එක හදා ගන්නවා. මේ විදිහට තමයි අපේ ෂොප් එකේ ටේබල්ස් අතර අපි රිලේෂන්ෂිප් හදාගන්නේ. අපි ළඟට 34 වෙනි වීඩියෝ එක හම්බෙමු. මේ යූසර් කියන ප්ලේ එකේ තියෙන ටේබල්ස් වලට ඩීටේල් සෙට් කරගන්න පාට් එකත් එක්ක.